हेलो एवरीवन, ये थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज का लेक्चर 6 है और आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड ऑल्सो गिव इट्स एप्लीकेशन। और ये जो है इम्पॉर्टेंट है, तो हमें पता ही है थर्मोडायनेमिक्स क्या है। हीट ही मोशन में चल रही है, ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स है। तो हमें इसका फर्स्ट लॉ देखना है कि क्या होता है। फर्स्ट लॉ जो है हीट से रिलेट करता है कि हम हीट सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं या सिस्टम से हम ले रहे हैं, टेक कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सिंपली अ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई टू द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसमें क्या होता है कि हम हीट देते हैं सिस्टम को या सिस्टम से हीट लेते हैं, तो कहाँ कहाँ पे यूज होती है। इफ क्वांटिटी हीट, सपोज हम डी क्यू हीट सप्लाई कर रहे हैं बॉडी को, तो वो तीन जगह यूज होगी। तीन जगह कहाँ कहाँ यूज होगी? पहला पार्ट उसका यूज होगा टेम्परेचर को चेंज करने में। तो अभी अगर सपोज हम मान रहे हैं कि सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं, अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में हेल्प करेगी सिस्टम के या बॉडी के। तो इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो डी यू के एक टर्म आ जाएगी कि यानी कि ये चेंज हो रही है जब हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं। दूसरा, इट इज स्पेंट इन डूइंग इंटरनल वर्क डन अगेंस्ट मॉलिकुलर अट्रैक्शन। तो जो मॉलिकुलर अट्रैक्शन के अगेंस्ट जब वो वर्क करती है, इंटरनल वर्क करती है, तो हम बोलते हैं कि वो इंक्रीज कर रही है उसकी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी कि डी यू पी उसको चेंज कर रही है। थर्ड हमारा यूज हो रहा है, रेस्ट इज स्पेंड इन एक्सपेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज इन डूइंग वर्क डन। तो जो वर्क डन हो रहा है उसके अगेंस्ट, जो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क कर रही है। तो डी क्यू इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? डी यू के प्लस डी यू पी प्लस डी डब्ल्यू, है ना। इन तीनों के सम के बराबर वो एनर्जी होगी, वो हीट होगी जो हम सिस्टम को दे रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं, जो हमने इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात की और पोटेंशियल एनर्जी की बात की, उन दोनों को हमने एक सिंपल टर्म से रिप्लेस कर दिया डी यू से। तो टोटल इंटरनल एनर्जी हो गई, तो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। फिर डी यू क्या है? इंटरनल एनर्जी में चेंज है और डी डब्ल्यू वर्क डन है। या इसको हम डेल से भी रिप्लेस कर सकते हैं, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को या हीट सिस्टम से ले रहे हैं, वो किस किस में इफेक्ट करती है? इंटरनल एनर्जी में प्लस वर्क डन जो सिस्टम द्वारा किया जा रहा है या सिस्टम पे किया जा रहा है, उसको अकॉर्डिंग हम इसको पॉजिटिव या नेगेटिव ले लेते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एनर्जी ड्यू टू हीट यूनिट सप्लाई मस्ट बी बैलेंस बाय एक्सटर्नल वर्क प्लस इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पे, डी क्यू डी यू और डी डब्ल्यू सेम यूनिट्स में मेजर करनी होती हैं। एक कैलोरी में है तो बाकी दोनों भी कैलोरी में होंगी, और अगर जूल में है तो तीनों ही जूल में मेजर करेंगे। ऐसा नहीं है एक कैलोरी में ले रहे हैं, एक जूल में ले रहे हैं। तो जब हम सॉल्व करते हैं सम्स, तो ये ध्यान रखते हैं कि सबको सेम यूनिट्स में रखना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि सिस्टम हीट दे रहा है कि सिस्टम से हम हीट ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पॉइंट बना के लिख लेती हूँ। अगर हीट, इफ हीट इज टेकन बाय द बॉडी और सिस्टम, तो उस केस में डेल्टा क्यू जो है पॉजिटिव होगा, ठीक है। और हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, उस केस में डेल्टा क्यू नेगेटिव होगा। तो अगर हम सिस्टम से हीट ले रहे हैं तो डेल्टा क्यू नेगेटिव है, इफ सिस्टम को हीट दिया जा रहा है तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव है। और वर्क डन की टर्म्स में समझिए कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव है, डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव है। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव है, ठीक है। तो मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव,
हीट टेकन बाय द सिस्टम पॉजिटिव क्यू एंड हीट इज गिवन टू द सिस्टम गिवन बाय द सिस्टम डेल्टा क्यू नेगेटिव. नेक्स्ट है फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी इज कंजर्व इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम. एवरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट वर्सेस इंटरनल एनर्जी एंड दिस इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट ओनली. तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं. एप्लीकेशंस के लिए नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तब ये क्वेश्चन पूरा होगा. और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहिए जिससे मुझे फीडबैक मिले कि मुझे क्या चेंजेस करने हैं इसके अंदर. अगर कोई डाउट रह जा रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो वो कमेंट सेक्शन से ही मुझे पता लग पाएगा. तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करते रहिए और जुड़े रहने के लिए थैंक यू. हैव अ गुड डे.